स्वागत है आपका इन स्पोर्ट्स क्रिकेट एक्सप्लोर में। हमारा वर्ल्ड कप स्पेशल है, मेरे साथ हमेशा रियाज भाई, अब्दुल्ला भाई जरूर मेरे साथ ये पूरा वर्ल्ड कप हम लोग कवरेज करेंगे। अब आज का जो है हमारा जब पाकिस्तान की टीम जब पाकिस्तान से होते हुए दुबई होते हुए हिंदुस्तान आई, उसके बारे में दो तीन राय मेरी रियाज भाई और अब्दुल्ला भाई से दोनों से है, और बच्चे भी यहाँ पर रेडी है। वो लोग सरहद सिर्फ वाघा बॉर्डर से लाहौर 50 किलोमीटर की दूरी है, मगर राजनीति और कुछ न्यूज चैनल्स ऐसा वो कर दिया वो लोग को, तो वो लोग पाकिस्तान दुबई जाके दुबई से फिर 9 घंटे वेट करके हिंदुस्तान आना पड़ा। हम मोहब्बत से रहे तो हमारे सिर्फ आधे घंटे का फासला है सरहद से वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान लाहौर के लिए, मगर वो देखिए सरहद न्यूज चैनल्स और ये राजनीति इतनी डेंजर है कि हमको वो लोग को पूरा एक दिन लग गया आने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा, हम भी जब पाकिस्तान जाएंगे, जब पाकिस्तान कैसा हैदराबाद में पाकिस्तान की टीम का कैसा इस्तकबाल हुआ, हैदराबादी कैसा इस्तकबाल करते, किसी को कोई भी रहने दो, या न्यूजीलैंड की टीम रहने दो, या पाकिस्तान की टीम रहने दो, या ऑस्ट्रेलिया की टीम रहने दो, मेहमान नवाजी में हैदराबाद सबसे पहले है क्या अब्दुल्ला भाई? कैसा कैसी मेहमान नवाजी, इतनी अच्छी वर्ल्ड फेमस रिसेप्शन हुआ उनका, बहुत ही अच्छा इस्तकबाल हुआ, और आके सबसे पहले पाकिस्तानी टीम बहुत खुश होकर बिरयानी खाई हैदराबाद की, और बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जितना हमारे लोग इतनी मोहब्बत दिए हैदराबाद वाले, तो बहुत खुश हुए पाकिस्तान वाले, तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसा होते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। और एयरपोर्ट पे देखिए हम लोग एयरपोर्ट पे देखिए काफी पब्लिक आ गई थी एयरपोर्ट पे, और पाकिस्तान से पाकिस्तान के लोग इतने खुश हैं, उनको फूल से उनको इस्तकबाल हुआ, या फूल से बहुत ही फूल निछावर कर दिया उनके खदमों पे, बहुत ही खुश हो गए पाकिस्तान वाले, और बोल रहे कि बहुत ही हमारा अच्छा इस्तकबाल हुआ आपके, बहुत ही अच्छा, खासकर हैदराबाद में। हैदराबाद में और मेरे साथ सीनियर कोच रियाज भाई है, काफी बड़ी क्रिकेट खेले हैदराबाद से, उनके बेटे भी इंशाल्लाह अंडर 19 स्टेट में है, प्रबुल्स में, आगे जाके आगे बड़ी क्रिकेट खेलेंगे, उनका बेटा भी आप जरूर देखिए। और रियाज भाई ये हैदराबाद की टीम हमारा कैंप बंजालिस में, हैदराबाद की जो पाकिस्तान की जो टीम है सिर्फ यहाँ से मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट का रास्ते पे, हमारे एकेडमी से सिर्फ 2 या 3 मिनट का रास्ता है हयात होटल जो ठहरे हुई है, हाँ हयात होटल में इस्तकबाल कैसा हुआ रियाज भाई? बहुत अच्छा हुआ इस्तकबाल, पाकिस्तान टीम सोची भी नहीं थी इतना अच्छा इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान का, और पूरे नए नए बच्चे, बहुत ख्वाहिश थी उन लोगों की पाकिस्तान के प्लेयरों को इंडिया से इंडिया में खेलने का, उनका आज सक्सेस हो गया, उन लोग बेचारे आज खेलेंगे, आज मैच भी हो रहा उनका ऊपर भी, आज प्रैक्टिस मैच भी चल रहा उन लोग का, तो पब्लिक को अभी अलाउड को अलाउ करेंगे इंशाल्लाह। देखिए और एक चीज हमने देखा और यूट्यूब चैनलों पे या न्यूज चैनल में बता रहा था कि वो लोग हैदराबाद की बिरयानी का मजा ले रहे थे, वो फुल मजा लिए, अच्छी है बिरयानी, दबा के खाए उन लोग, अच्छा हैदराबादी खाना बहुत अच्छा था, कहते हैदराबाद का खाना मेरे दोनों को, ये बार मैं तो पहले पब्लिक ये वो बोलती थी, कुछ भी नहीं बोली, पब्लिक अच्छा सपोर्ट करी, फुल एंजॉय करे पब्लिक भी और प्लेयर्स। और एयरपोर्ट से अब्दुल्ला भाई एयरपोर्ट से यहाँ पर आने का 45 मिनट आधे एक घंटे का रास्ता है, मगर ऐसा प्रोटोकॉल दिया पाकिस्तान की टीम को 20 मिनट में आ गई, बहुत 20 मिनट में आ गए, और इतना खुश हुए लोग, तो सरप्राइज उन लोग सोचे भी नहीं थे वैसा इस्तकबाल हुआ, इस्तकबाल हुआ। देखिए कैसी राय है देखिए, और मेरे साथ सीनियर कोच जावेद भाई भी है। बेटा मैं एक दो बच्चों से पूछना चाह रहा हूँ भाई, यू सॉ द पाकिस्तान टीम अराइवल टू हैदराबाद, या is this first time you're saying yes, first sir. time yes sir yeah you are happy yes sir. yeah he is going on dubai hamara jo dubai ka tour hai isme inu bhi hai to jab hamara pakistan se match hoga jab main se interview lunga ab you saw the pakistan team rival yes sir famous bahut famous hai aur mere sath senior coach aur javed bhai bahut hyderabad se badi cricket khele hue hai 20 25 saal se abhi bhi kar rahe still javed sahab hyderabad ki pakistan ki team जैसा एयरपोर्ट से उनका स्वागत हुआ और खाने पीने का यहाँ पर देखा ऐसा इस्तकबाल आज तक नहीं हुआ ऐसा, आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हैदराबाद जो खास करके हैदराबाद तेलंगाना जो है जाना जाता है कि मेहमान नवाजी के लिए, हम जो है बहुत खुश है कि हमारी जो पड़ोसी टीम जो पाकिस्तान की टीम आई हुई है, क्योंकि स्पेशली बाबर आजम और जितेश शाहिनशाह आफरीदी, तो हम जो है पाकिस्तान के साथ में दूसरे भी जो इंटरनेशनल टीम है उनको भी वेलकम करते हैं यहाँ पे, जो खास करके हमारा रिवाज है हम अच्छा खाना खिलाते हैं और जो है अच्छी क्रिकेट भी खिलाते हैं यहाँ पर। हैदराबाद जो है बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन की एक जगह है कि यहाँ पे इंटरनेशनल इतने बड़े प्लेयर्स है, क्योंकि अजहरुद्दीन, वीवीएस लक्ष्मण और वेंकट राजू, अर्शद अय्यूब प्लेयर, अब सिराज साथ है, अभी वर्ल्ड का नंबर वन प्लेयर भी जो है हमारे पास, जो इंडिया का फास्ट बॉलर जो है सिराज, मोहम्मद सिराज भी जो हैदराबाद से बिलीव करते हैं, और ख़ास करके जो है
पब्लिक में इतना जो है एक वर्ल्ड कप को लेकर जो है इतना खुशी है, अंदाजा नहीं लगा सकते। हम ये चाह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच हैदराबाद में हो, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी होएगा। लेकिन अब जो मैचेस हो रहे हैं हम जो है टीवी पे देख रहे हैं सिर्फ, लेकिन हम हमारे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से ये कह रहे हैं कि पब्लिक को भी आप बुलाइए, प्लेयरों से भी इंट्रोडक्शन कराइए, इंशाल्लाह आगे चल के जो है बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा। और जो है वर्ल्ड कप का भी बहुत इंडिया जो ऑर्गेनाइज कर रही है उसका भी बहुत पूरे वर्ल्ड में जो है नाम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर तरीके की न्यूज़ जा रही है कि भाई यहाँ पे हमारी जो है वेलकम कर जो है हम खाना जो स्पेशली हैदराबाद की बिरयानी और जो है जितने भी खाने होते हैं बहुत मशहूर है। और पाकिस्तान के प्लेयर्स के इंटरव्यू हम देख रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत ही खुशी में जो है उन लोग जो है एक अच्छा सा माहौल फील कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हैदराबाद में जो है आपको जो पूरी दुनिया में एक हैदराबाद एक अलग मुकाम है हमारा। हम जो है स्पोर्ट्समैन जो है जो दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्समैन है उन लोग हैदराबाद आना चाहते हैं। मैं जो है BCCI और जो है ICC का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है पाकिस्तान का मैच हैदराबाद में रखे, और बहुत खुशी की बात इन स्पोर्ट्स में खास करके हमारे बच्चों के लिए जो है ना हम जो है इंशाल्लाह जो है उनके लिए भी जो है पूरे जो प्लेयर्स आ रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए उनका भी जो है पूरा जो है एक प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बीच में। अब देखिए जावेद साहब का ये राय है कि हैदराबाद में जो टीम आई हुई है पाकिस्तान की, उनका होम ग्राउंड है ये हैदराबाद, क्यों तो हम लोग एक हमारे बचपन में देखे थे जब हैदराबाद में जब लाल बहादुर स्टेडियम में जब मैचेस हुए थे, वसीम अकरम साहब खेलते थे हमारे बचपन में, ये यंगस्टर्स जो बच्चे इनकी भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की टीम को नज़रों के सामने देखिए कि मैच के लिए पाकिस्तान की टीम को हम इंशाल्लाह जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो तो 14 तारीख को है, मगर हम ये भी मैच को हिंदुस्तान का कल न्यूजीलैंड से इंग्लैंड से मैच है वार्म अप मैच, वो भी मैच हिंदुस्तान जरूर जीतेगा क्योंकि एशिया कप हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट पे इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हिंदुस्तान ये दो वर्ल्ड कप जीतेगा 12 साल के बाद। लास्ट टाइम धोनी साहब जिताए थे, अब धोनी शर्मा साहब जिताएंगे। यार इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप? यस इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए आप। और मैं इसके बाद वो लोग कौन सी होटल में ठहरे आपको उसका वीडियो कल मैं आपको बताता हूँ, हयात होटल में वहां पर लग जाऊंगा आपको, मैं होटल का आपको व्यू दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।